इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री हनुमान जी बार बार शिष्य दबाने लगे, क्यों? माँ का आशीर्वाद मिला। अब देखिए माँ ने संबोधन क्या दिया, गुण निधि सुत हो। अब तक तो भाई, अब जब प्रियता देखी, रिश्ते नाते सहज ही बनाने से नहीं स्वतः बन जाते। हे राम प्रिय जाना अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। सबका आशीर्वाद जहां से मिलता है भैया, लेकिन मां का आशीर्वाद हृदय से निकलता है। मां खूब देती है आशीर्वाद। मां भगवान, किसी महापुरुष के वचन हैं कि भगवान जब स्वयं अपने स्वरूप में नहीं आए तो उन्होंने धरती पर मां के रूप में अपने को भेज दिया, ऐसी धारा है। वो भाग्यशाली हैं जो माता पिता के साथ रहते हैं। भगवान का दर्शन पाते हैं, अनुकूलता हो। देखिए ना, श्री हनुमान जी महाराज भी यहां तक सब करते धरते चले आए, मां को देखे तो क्या कहते हैं, मां अरे मुझे भूख लगी है, ले सुनहु मां तुम्हें अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर। अच्छा, सब जगह भूखो नहीं लगती है, और भूख लग जाए तो सबसे कहते भी नहीं बनता है। देखिए हमको तो लग जाता है ना, अरे भैया भूख लगती है तो भगवान याद आ जाता है। हम घर में स्नान करके जैसे ही संध्या वंदन के बाद पहुंचते हैं, तुरंत देवी जी कहते हैं, ए थाल लगाओ, पापा आ गए, जय जय। अब कथा में जब भूखता हूं तो बोलता हूँ भाई जी कहाँ, बुला के लाओ, तुरंत लाओ, क्योंकि दूसरा तो थरिया पोछेगा फिर कटोरी पोछेगा, यहाँ तो जठराग्नि लगी है भैया, बड़ी मुश्किल। और हमसे भी तेज हमारे प्रधान जी झांसी हैं, आया कि खत्म। हम कहते भैया हमारे साथ खाओ तो धीरे धीरे खाओ, क्योंकि 45 मिनट से कम में जगह चक नहीं होता है भैया। और आप भी जीवन में तय कर लो कि हम कहाँ कहें जब भूख लगी हो। और धरती के वो भाग्यशाली लोग हैं जिनको भूख लगती है, कई लोगों का तो भूख है नहीं लगती, लगती नहीं। अरे भैया हिलबा डुलबा तब न भूख लगी है? थोड़ा हमारे डॉक्टर साहब को भूख लगना बंद हो गई थी तो व्यायाम कर लेते हैं तो भूख लग जाती है, खूब उछल कूद मचाते हैं। माई बाप माँ को देख कर भूख लगती है, बच्चे दिन भर खेलते हैं भूख नहीं लगती, जब माँ दिखती है भूख लगी है। माँ ने कहा लाला बड़े बड़े योद्धा रखवाली में हैं, यहाँ खाओगे आपके ऊपर चोट करेंगे, मुझे दुख पहुँचेगा, माँ कुछ नहीं होगा, आपने अजर अमर कर दिया है ना, अजर अमर इसको कुछ नहीं होगा, उनसे आप घबराइए नहीं, आप मन में प्रसन्न हो और आज्ञा दें तो मैं खाऊं। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहे हो जान की, रघुपति चरण हृदय धरि तुम मधुर फल खा। प्रभु के श्री चरण को हृदय में पधराइए, बढ़िया बढ़िया भोग लगाइए, मीठे मीठे फल खाइए। माँ को प्रणाम करके बाबा चले, साथ साथ आप भी चलिए, कहाँ जहाँ हनुमान जी चल रहे हैं, चले वो नाई सिर पैठे उबागा, चले वो नाई सिर पैठे उबागा, फल खाए
फल खाए सितर को रह लागा रहे तहां बहु भट्ट रखवारे रहे तहां बहु भट्ट रखवारे कछुमार सिकछु जाए पुकारे कछुमार सिकछु जाए पुकारे नाथ एक आवा कपि भारी नाथ एक आवा कपि भारी तेहि अशोक वाटिका उजारी तेहि अशोक वाटिका उजारी खाए सि फल अरु पिटप पुपारे खाए सि फल फल खाता पुपारे रक्षक मर्द मर्द मही डारे रक्षक मर्द मर्द मही डारे निशाचरों ने सेवकों ने जाकर कहा प्रभु एक वानर आया है अशोक वाटिका में फल खाता है और वृक्षों को तोड़ता है तो रखवाले क्या करते हैं जो जाता है उसको रगड़ रगड़ मारता है रक्षक मर्द मर्द महिडारे रक्षक मर्द मर्द महिडारे सुनि रावण पठये भट्ट नाना सुनि रावण पठये भट्ट नाना तिनहि देख कर जेउ हनुमाना तिनहि देख कर जेउ हनुमाना कटकटा करके हनुमान जी जय घोष के साथ जय श्री राम जय श्री राम हनुमान जी कटकटा के ललकार मचा एक साथ सब रजनी चर कप संहारे सब रजनी चर कप संहारे गए पुकारत कछुवत मारे गए पुकारत कछुवत मारे उन पठयउ तेहि अक्ष कुमारा उन पठयउ तेहि अक्ष कुमारा अक्षय अभी नवा नवा सीख के आया है युद्ध बोला मैं जाऊंगा जाओ अपार सुभटों को लेकर सेना के साथ चला अक्षय हनुमान जी ने अक्षय को आते देखा तो एक वृक्ष उखाड़ा और अक्षय पर दे मारा अक्षय का आवत देखी पिटप कही तरजा आवत देखी पिटप कही तरजा निपाति महाभुन गर्जा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भैया अक्षय तो चले गए मारे आवेश में निशाचर लोग हनुमान जी पर क्या क्या डालने लगे हनुमान जी बड़े प्रेम से सौ को दाएं सौ को बाएं 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 करे क्या एक ही बार कछु मारिस कछु मर्दसी कछु मिले सिधरी हनुमान जी के बाबा ने क्या लिखा कछु मिले सिधरी कुछ को छोड़े कछु पुन जाए प्रभु मर कट कुछ को हनुमान जी ने छोड़ा खबरों तो करेगा परी जितने गए सब गए अरे बाप अब निशाचर पहुंचा तो कहता है प्रभु ये तो मरतव है कटतव है मरकट है अरे राम रावण ने कहा अब तक तो कह रहे थे वानर है कपि है अभी मरकट है रावण को बड़ा क्रोध आया यह सुनकर कि अक्षय को भी मार दिया सोने सुत बद लंके सरिसाना मेघनाद बलवाना सुजन सुत बांध सुताही सुजन सुत बांध सुताही देखिए कपि कहाँ कर आई देखिए कपि कहाँ कर आई चला इंद्रजित अतुलित जोधा चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा हनुमान जी महाराज ने देखा अरे ऐसा विकट आया हनुमान जी फिर एक बार जय श्री राम हनुमान जी घोष किए भगवान के पावन नाम का तो मेघनाथ सावधान हो गया गर्जने से सावधान हो गया रथ पर आया है मानो अभिषेक करवाने आया हो रथ पर आया है हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा
और मेघनाथ के रथ पर दे मारा अति विशाल तरु एक उपारा, अति विशाल तरु एक उपारा, भरत कीन लंकेश कुमारा, भरत कीन लंकेश कुमारा, भरत। क्यों हनुमान जी महाराज ने सोचा ही रथ पर रहेगा हम नीचे रहेंगे तो युद्ध कैसे होगा, इसको बराबर करिए, पहले बराबर करिए। ये बराबर हुआ, रथ के खंडित होते ही मेघनाद ऊपर चला गया। हनुमान जी देखे रथ टूटा तो ये तो दिख ही नहीं रहा, गया कहां, आ तो ऊपर गया। अरे कोई बात नहीं, अब जो उसके सहयोगी गण आए थे, रहे महाभक्ता के संगा, रहे महाभक्ता के संगा, कही कही कप मर दई निज अंगा, कही कही कप मर दई निज अंगा। हनुमान जी पकड़ पकड़ कर अपने रोम को गड़ा गड़ा रगड़, अब जब हनुमान जी रगड़ना शुरू किए तो ये सब त्राहि त्राहि करे, बाबा छोड़ते नहीं। महापुरुष लोग अलग अलग भाव देते हैं, चिल्लाने लगे युवराज बचाइए, युवराज बचाइए, युवराज बचाइए। नीचे आया, इनको क्यों रगड़ते हो, हमसे मिलो। हनुमान जी मेघनाथ से मिले नहीं, मेघनाथ को एक घूसा हनुमान जी ने धर दिया, मुठिका मारी तरु जाई, ताही एक ठन मुरछाई। हनुमान जी महाराज की एक मुष्टिका में तो राहु की मम्मी चली गई थी, लंकिनी रक्त फेंक दी थी, अब मेघनाथ वीर है मूर्छित हो गया, मूर्छित मूर्छा आ गई। अब सोचा है दी दूसरी बार मार दिया तो फिर तो कहानी समाप्त हो जाएगी, इसलिए उठा, बहुत यत्न किया लेकिन श्री हनुमान जी महाराज को जीत नहीं पाया। सोचा ब्रह्मयस्त्र तेहि साधा, कपि मन केन विचार, जो न ब्रह्म सरमानम महिमा मीत अपार। श्री हनुमान जी जैसे ब्रह्मास्त्र पास में आया है, गिरे और गिरे तो 400-500 राक्षसों को दबाई के गिरे, यूं मैं सब काऊं 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 पीछे से कर रहे तो मेघनाथ ने कहा उठाइए। भट सुभट बोले आपे उठाइए, क्योंकि जब पकड़त है तो इतना रगड़त है कि हम ही लोग जाने थे। हनुमान जी कछु मारे से कछु मर देती, अरे रहे महाभट ताके संगा, गही गही कप मर दई निज अंगा। हनुमान जी इतना रगड़े हैं कि डर के मारे कोई पास नहीं फटक रहा। परति हु बार कटक संघारा, गिरते हुए हनुमान जी लुटके दबाई डाले। एक असुर ने कहा युवराज बस इसका हथवा बांध दीजिए, हाँ नहीं तो फिर पकड़ लेते ही। हनुमान जी मूर्छित हुए जानकर बाण से नहीं, क्यों उन पर तो कोई बाल समय विभक्ष लिए, तब तीन हो लोक भयो अधियार हो गया, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहु सो, देव नयान करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को, नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन ना। हनुमान जी पर कोई अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं करता, नाग पास बांध करके ले गया रावण के सन्मुख मेघनाथ। यूं कहिए कि श्री हनुमान जी नाग पास में बध गए रावण के पास जाने के लिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।